ओके ठीक ओके ओके ओके, गेम खोला जाए ब्रो, मतलब स्टार्ट हो जाए है। अरे तेरे पास ठीक है, मैंने तेरे को पकड़ा। ओके अरे नहीं, स्क्वाड का है, उसमें मिल जाएगा यार। ये स्टार्ट कर दे, मैं क्योंकि गाना नहीं भेज दिया अपने यहाँ पर ना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक मिनट रुक जा, कर दे। चलो भाई, चलो मैं गेम में यार। ब्राजील वाला उतर कर आएगा। ओके गाइस, आप बोल सकते हैं। मैं अरे भाई, आप बात ही बोल देते हैं। यहाँ से देखेंगे हमारी टीम नहीं नहीं पूरा है। यहाँ पे देखा जाए, हमारा जो प्लेन पाथ है बरमूडा से होता हुआ सारे मैदान के अंदर, बरमूडा के अंदर जाने वाला है। यहाँ पे देखी जाए, सारी टीम यहाँ पहुंच चुकी है। आरडीएक्स नहीं होकर नजर हमारी अभी उतनी नहीं है। और अगर बात की जाए बाकी चीजों की, बात और यहाँ पे आरडीएस ने हमारी पीक पे उतर चुके हैं, और ये पीक पे लेना चाहेंगे फाइट। प्राथोड़ वगैरह जा रहे हैं शिपयार्ड की तरफ, तो वहाँ पे हम देखना चाहते हैं फाइट किसकी होगी। अच्छा नहीं, ये भी जा रहे हैं किसकी, और इस चेकिंग के कहाँ पर ये पीक पे देख रहे हैं। ओके, थैंक यू पीयूष। आपके स्ट्रीम वहां से बंद कर दो ब्रो, वहां से बंद कर दो, वहां से बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पे जो अपने आर्यन है वो प्लांटेशन के ऊपर उतरे हुए हैं। देखा रिवर जाए साइड के ऊपर उतरे हुए प्लांटेशन की तरफ जा रहे हैं। एचपी मोहित अमन पीक पीक पे नहीं, बीमा शक्ति पे निकल जाती है। बीटीआर फैन यहाँ पे थोड़ा सा जैसे देखा जाए पार्टी के अंदर हम देखने मिल जाएंगे। बात की जाए, चारों बंदे जो जीत हैं, अभी तक हमें इनिशियल में कोई फाइट नहीं देखने के लिए मिल रही है। अभी अभी को ले लिया गया है, एनएवाई की फाइट्स होने वाली है। ब्रो नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा देखना, चेक करना। एनिमेट हो रही है, एनएवाई माफिया रिवाइव होके पहुंच रहे हैं। और रिवर साइड पे और बंदे हैं जो एनिमेट नहीं देखने मिलेंगे। आगे 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 आ गया ना। आगे। जी 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 और रयुगा, रयुगा को नॉक डाउन कर दिया गया है स्क्वाड द्वारा। रयुगा पूरे एनएमवाई के सिर्फ दो बंदे जिंदा यहां पे देखने के लिए मिल जाएंगे। माफिया प्लांटेशन के ऊपर निखिल देखने के लिए जाएंगे। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो द रॉकी द डेंस स्लॉट था वो भी पूरा होता है, लेकिन पेन ने एक नॉक निकाला, पेन ने फैनम को नॉक निकाला और पूरा ले लिया गया है पेन के द्वारा। जी हाँ, पेन ने पूरा ले लिया है एनएमवाई बीटीआर फैनम को। और बात की जाए एक किल के साथ, शशांक जो है वो हमें फ्यूरी फ्यूरी अपने एक बंदा बचाएगा किल निकालने के लिए चलते हुए, कार्तिक एक किल निकाल के फैनम को रिवाइव दिया गया। कार्तिक एक किल के साथ देखने के लिए यहाँ मिल जाएंगे स्काउट और पी जीरो के उसके साथ, और यहाँ पे रिवाइव कर दिया गया है बीटीआर की पूरी टीम। बिल्कुल बढ़िया, अभी भी किल निकालने के लिए स्काउट अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं पूरी। बात की जाए, किल आ चुके हैं, एनएमवाई भी पूरी रिवाइव हो चुकी है दोस्तों। बात की जाए तो मैं अपने कमेंटेटर पीयूष जी को बुलाना चाहूंगा माइक पे। और यहाँ पे एनएमवाई रिवर साइड की साइड है, पर रिवर साइड के पहले भी एक बंदे थे, ये देखो नंबर 4 नेशनल चल रहा है साइको गेम। थोड़ा सा यहाँ पे मानते हैं बंद किया जाएगा, लेकिन जो है टीडी शिवू पे
टीडी शिव को निशाना बनाया गया, टीडी शिव को निशाना बनाया गया, किसने बनाया ये तो पता नहीं, लेकिन साइको गैंग खतरे में नजर आने वाली है। राठौड़ पूरी टीम के साथ 2 किल के साथ आगे बढ़ते हुए क्षत्रिय 1 किल कर चुके हैं। देखा जाए तो क्षत्रिय की भीमा शक्ति के ऊपर पीक पे एक्चुअली जी हाँ एचपी मोहित जी हाँ बहुत बढ़िया क्यूज क्या लगता है इन दोनों की फाइट के बाद ही ना पीयूष यही तो है यही तो है। बात की जाए तो 10th स्लॉट इट्स पेन पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है। बीटीआर ने खत्म किया होगा या एनएमवाई, एनएमवाई के दो बंदे सिर्फ इस मैदान के अंदर फाइटिंग एफेक्ट 1 किल के साथ देखने के लिए मिल जाएंगे। बीटीआर बहुत अच्छे किल्स के साथ आगे बढ़ते हुए और बात की जाए तो 6 स्लॉट बिल्कुल ही अच्छे के प्रोटेक्शन साथ, लेकिन इनकी फाइट हो सक्ती है। क्लिक करो प्रिंस 007 केप टाउन के ऊपर साइड ऑफ द मैच प्लेसमेंट के लिए लड़ते हुए यहाँ पे आयुष सचिन और शुभम 78 यहाँ पे हमें स्लॉट पे देखने के लिए मिल जाएंगे। आयरन 77 को भी रिवाइव कर दिया गया है। टीम्स अभी भी 49-42 अलाइव। अगर मैप के ऊपर देखा जाए तो मैप हमारा सेंटर्ड फाइट तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा टिल्ट हुआ है सेंटर पे टिल्ट ऑन की तरफ। बात की जाए तो यहाँ पे जो पीयूष आपको क्या लगता है कि अगला जोन किस इलाके में बनने वाला है? लेकिन बात की जाए पीयूष क्योंकि कैरेटन की तरफ टिल्ट हुआ है तो आई गेस मिल वाली साइड मेरे अंदाजे से बनना चाहिए। कुछ अच्छी लड़ाई होने वाली है। माफिया को रिवाइव किया गया। बात की जाए माफिया की तो इनसे अच्छा नेडर मैंने आज तक देखा नहीं। भले ये टायर 3 की लॉबी हो लेकिन ये जो खिलाड़ी है ये टायर 1 की टीम्स के साथ खेलते हैं और बहुत ही अच्छा। एनएमवाई को भी थोड़ी दिक्कत हो रही है खेलने में। जी हाँ टारगेट किया गया है एनएमवाई को पहले ही टारगेट किया गया है जो कि जरूरी भी अगर जीतना है टीम्स को। कार्तिक को देखा जाए तो ये भी केप टाउन के ऊपर यहां पे केप टाउन की साइड पहले जोरोक्स की टीम से वो कहां गई यहीं पे से अभी जोरोक्स की टीम निकल रही है तो देखते हैं किस तरीके से यहां पे एक M82B लेके कार्तिक जो है तैयार है रण में युद्ध करने के लिए। बीस्ट जैक एक अपने ही पैराफल के साथ और मैक्सिमम के साथ आगे बढ़ते हुए फैनम अब मीडिया फैनम लड़ाई हो से टॉपिक को पूरा लिया गया। फैनम नॉकडाउन प्यूरी नॉकडाउन बीटीआर कार्तिक अकेले बचते हुए नॉक निकाला गया है। क्या अपनी टीम को बचा पाएंगे जी हां कि नहीं नहीं पूरा लिया गया बीटीआर फिनिश यहां पे साइको 2 किल निकाल के इन्होंने पूरी बीटीआर खत्म कर दी। आई डोंट नो व्हाई आई गेस यहां पे थर्ड पार्टी हुआ होगा। नहीं ये एक बीटीआर कार्तिक का ही बंदा अलग था और बाकी तीन अलग थे मेरे। जी ऐसा ही कुछ यहां पे घटना जो है घटी है। बात की जाए स्पाइडी भी बहुत किल निकाल रहे हैं यहां पे। बात की जाए तो प्लीज सॉरी की फाइट लॉन्चर मारा गया है यहां पे गॉड के द्वारा एक नॉकडाउन निकाला गया पूरा ले लिया गया है आयुष को ले लिया गया है। सारी बात की जाए पीयूष तो सारी टीम अपनी अपनी होस्टल की हैं तो अपनी तो जोरोक्स के सामने कार्तिक और की टीम है 619 जोर सारे एक एक किल कर चुके हैं। अगर बाकी पूरी लॉबी के ऊपर देखा जाए तो आरडीएक्स नियो के दो बंदे जिंदा स्लॉट टू से एक थग राहुल को बहुत ही अच्छा स्प्रे इनके द्वारा दिया गया लॉन्ग रेंज में। जी 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 अच्छे प्लेयर कहा जा रहा है लेकिन वो तो देखा जाएगा कि पहले मैच में कौन बाजी मारता है दूसरे में कौन तीसरे में कौन। और ये जोरोक्स अच्छा खेल रहे हैं अच्छी स्नाइपिंग चलाते हुए कनेक्ट नहीं कर पाए गाड़ियों से आती हुई टीम को
ये अलग है गाइस, पंकज वगैरह जो है जोन के बीच से निकलते हुए यहाँ पे नजर आने वाले हैं। कार्तिक के ऊपर नजर रखी जाए, अच्छे खासे यहाँ पे जो है कार्तिक अपने जोन के अंदर सरवाइव करने की कोशिश। स्पाइडी एफएफ 4 किल के साथ हाईएस्ट किल स्पाइडी के यहाँ पे नजर आने वाले हैं हमें यहाँ पे मैदान के अंदर। बात की जाए तो बंद कर दीजिए स्ट्रीम आप, क्योंकि फिर थोड़ा सा लैग इशू आ रहा है। एनएमवाई फिर से पूरी की पूरी रिवाइव हो चुकी है, एनएमवाई अपने कदमों के ऊपर यहाँ पे नजर आने वाली है। स्पाइडी 4 किल के साथ मिल पे कब्जा रखते हुए नॉट साहिल, साइको और राहुल फाइट हो चुकी है। आयुष को लिया गया था यहाँ पे। देखा जाए तो यहाँ पे टीम्स जो है रोटेशन लेते हुए, लेकिन टीम का एक ले लिया गया। कार्तिक जी हाँ शॉट तो कनेक्ट करा, ये शॉट कनेक्ट नहीं कर पाए कार्तिक, कार्तिक ये शॉट कनेक्ट नहीं कर पाए। एक और शॉट कार्तिक को नॉकडाउन लिया गया, कार्तिक को नॉक लिया गया। बीट जैक आयुष नॉक, बीट जैक अकेले। जोरॉक्स 3 किल कर चुके हैं, आयुष को ले लिया गया जोरॉक्स द्वारा। बीएम में नहीं, 2 किल के साथ आरएस और यहाँ 4 किल पे के साथ विश जैक सरवाइव कर रहे हैं। निकलने की कोशिश इनके द्वारा, देखा जाएगा किस तरीके से बीस जो है अपने कदमों पे अपनी टीम को जिंदा रख पाएंगे या नहीं। जी हाँ, जोरॉक्स की टीम तो ऊपर है पीयूष, देखा जाएगा कि जोरॉक्स पकड़ पाते हैं बीस जैक को। गाड़ी मिल गई है, अब तो बीस जैक थोड़ा बाजी मार सकते हैं, देखा जाएगा स्ट्रेटजी के ऊपर आगे कोई और टीम टकरे तो फिर। जोरॉक्स अभी भी उनको ढूंढने के, क्षत्रिय 1 किल के साथ यहाँ देखने मिल गया। एनएमवाई के साथ, एनएमवाई के साथ फाइट। राठौड़ का स्प्रे बहुत ही बढ़िया स्प्रे, पूरी स्क्वाड की फाइट हो चुकी है। एनएमवाई निखिल को ले लिया गया है, एनएमवाई बहुत बड़े खतरे में। राठौड़ तब से कैंप कर रहे थे, इनका ये स्ट्रेटजी है कि ये आखिरी जोन के आते आते फाइट लेने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, पूरी अच्छे से लूट करें, हमारा इस गेम जो है ये सर्वाइविंग के ऊपर बेस है। जी हाँ, बात की जाए अगर पीयूष देखा जाए तो ये सर्वाइविंग के ऊपर सारी गेम ठीक है, और अगर जितने ज़्यादा आप अच्छी लूट के साथ अच्छी सर्वाइव करेंगे लास्ट तक, ज़्यादा आपको प्लेसमेंट मिलेंगे और आखिरी में किल निकालना काफ़ी जो है आसान हो जाता है टीम्स के लिए अगर अच्छे से वो करें।